नमस्कार। आज मैं फिर यूरोपियन साक्ष्यों से उन्हीं का किया हुआ दुष्टता धो दूंगी। भारत में जो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रखा है इन लोगों ने मिडिवल पीरियड के नाम पर, जो एक मजहबी विभाजन है जो कि रविशंकर जी ने अपने जर्नल में एक जगह लिखा है। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, ये रही पुस्तक। ये पुस्तक है ऑक्सफोर्ड इन इंडिया रीडिंग्स थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री द 18th सेंचुरी इन इंडियन हिस्ट्री एडिटेड बाय पीजे मार्शल। बहुत से लोगों के लेख हैं। ये किताब मेरे पास पड़ी तो कोई ज़माने से थी, लेकिन अचानक हाथ में आई और मैंने इसको पढ़ा 2 मई से 10 मई के बीच में इसी साल 2021 में। पढ़ा तो सब माथे की नसें झनझन आ गई। बिना मेरे कोई ज़्यादा कमेंट के मैं पढ़ रही हूँ, चूँकि टुकड़े टुकड़े पढ़ूँगी इसलिए कनेक्टिविटी के लिए जो कहना है कहूँगी। एडिटोरियल नोट है, इंट्रोडक्शन है, पीजे मार्शल का 2003 में छपा है। अब जो 2020 में छपा हुआ अगर इससे संबंधित मैटर होगा, इसमें ये कुछ और खोल के कहे। ये एजेंडा बेस्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पर्पजेस का प्रोपोगंडा मटेरियल है। जिन लोगों ने गुन्नार मृडाल का एशियन ड्रामा पढ़ा हो, उनकी एक और किताब है, बिल्कुल अप्रसिद्ध किताब है, जहाँ तक मुझे उसका नाम याद है वो है रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंस। नाम गलत हो सकता है, बहुत पतली सी किताब है। उसमें ये बात ठीक से कहा है कि सारी इकोनॉमिक थ्योराइजिंग क्या है, किए हुए धंधे पर एक सुंदर आवरण डालना। और सुंदर आवरण क्या है उन्होंने नहीं कहा, मेरा शब्द है लफाजी का, उनका है थ्योराइजिंग का। ये तो थ्योराइजिंग का मैटर नहीं। अब सुनिए, पहला पेज इंट्रोडक्शन से मैं शुरू कर रही हूँ, तीसरा चौथा वाक्य। बाय 1750 मुगल टेरिटोरियल पावर हैड श्रंक टू वर्चुअली नथिंग। 1750 तक मुगल लोगों का टेरिटोरियल पावर, मतलब क्षेत्र में जो पूरा भारत गुलाम है, जो हिंदवी सूर्य अस्त हुआ, वो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से उदित हो गया। ऑक्सफोर्ड कह रहा है जी, और ये भी उसका एडिटर पीजे मार्शल का इंट्रोडक्शन का चौथा वाक्य है। बाय 1750 मुगल टेरिटोरियल पावर हैड श्रंक टू वर्चुअली नथिंग। मिड 18th सेंचुरी, सारी जगह 18वीं शताब्दी का रोना है, गर्त में है, गर्त में है, गर्त में है। भारत सोने की चिड़िया थी, लूट ले गए सब। ये 18वीं शताब्दी, डार्केस्ट, पुअरेस्ट, रेचेड, एनसीईआरटी और सब जगह से यही पढ़ा रहा भारतीय स्टेट। अरे भाई, जरा नई किताबों का रिकॉग्निशन ले लो। बाय 1750 मुगल टेरिटोरियल पावर हैड श्रंक टू वर्चुअली नथिंग। फॉर द पेज 3, फॉर मोस्ट ऑफ द लेटर 18th सेंचुरी द एम्परर लिव्ड एट दिल्ली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मराठास। 1750 के बाद, ये ऑक्सफोर्ड वाला कह रहा है, अभी और पढ़ेंगे तो बाद में ये और पुराना खींच के ले जाएगा। 1750 के बाद मुगल एम्परर कैसे हो गया भाई, एम्परर कैसे हो गया महाराज, जो केवल दिल्ली में रह रहा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मराठास। फ्रॉम 1803 द ब्रिटिश बिकेम हिज प्रोटेक्टर्स। फिर भी वो एम्परर है 1750 तक, धन्य है। पेज 4, मुगल स्टेट। ध्यान दीजिए, भारतीय वांग्मय में और मुगलों के अपने वाग्मय में मुगल शब्द नहीं है,
अकबरनामा में नहीं है, बाबरनामा में नहीं है, आईने अकबरी में नहीं है, चगताई हैं, तुर्क हैं और कई शब्द हैं, लेकिन ये नहीं है। तुर्क, चगताई और एक आध आएगा शब्द, वो सब शब्द है। इसलिए मुगल तो हमको पढ़ना इसलिए बोलना पड़ रहा। द डिबेट अबाउट द नेचर ऑफ द मुगल स्टेट बिफोर द 18th सेंचुरी इज द थीम ऑफ द वॉल्यूम बाई मुजफ्फर आलम एंड संजय सुब्रमण्यम इन द सेम सीरीज एज दिस बुक। द एडिटर्स स्ट्रेस दैट एम्पायर एट एनी टाइम वॉज ऑलवेज अ पैच वर्क क्विल्ट। 1750 के बाद का नहीं, उसके पहले का कथा। कब का? बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा मुगलिया सल्तनत और मुगले आजम, दिल्ली का बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह। कौन कह रहा है? मुजफ्फर आलम और सुब्रमण्यम की किताब है, संजय सुब्रमण्यम की, उसकी चर्चा कर रहा है पीजे मार्शल। क्या कह रहा है? एम्पायर एट एनी टाइम वॉज ऑलवेज अ पैचवर्क क्विल्ट ऑफ एरियाज ओवर विच इम्पीरियल कंट्रोल ऑपरेटेड एट वेरी अनइवन लेवल्स रादर देन अ वॉल टू वॉल कारपेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल। हिंदियों में समझा दे रहे हैं, अंग्रेजी भी मुश्किल नहीं है। एम्पायर पैचवर्क क्विल्ट है, क्विल्ट का मतलब हुआ दोहर, रजाई, दुसाला, कौन सा कढ़ाई वाला नहीं, पैचवर्क, कुल कतरन को काट काट के पीस जोड़ जोड़ के जोड़ दिया तो उसको पैचवर्क क्विल्ट, QUILT। तो क्या है? पैचवर्क क्विल्ट है, काहे का क्विल्ट है, ऑफ एरियाज ओवर विच इम्पीरियल कंट्रोल ऑपरेटेड। अरे लल्लुओं, जब वो क्विल्ट है, पैचवर्क है, तो इम्पायर कैसे हुआ, इम्पीरियल ऑर्डर कैसे हुआ? लेकिन चलो, उस पर भी, उस पैचवर्क पर भी इम्पीरियल कंट्रोल ऑपरेटेड एट वेरी अनइवन लेवल। जो टुकड़ा टुकड़ी है, उस टुकड़ा टुकड़ी पर भी जो पावर है उसको इम्पीरियल तो कह ही नहीं सकते, वो भी एक सा नहीं है, अनइवन है, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं थोड़ा है कहीं ज़्यादा है। Rather than a wall to wall carpet of uniform rule, सारा नक्शा कहाँ बताते हैं? औरंगजेब का राज्य यहाँ, शाहजहां का यहाँ, जहांगीर का यहाँ, अकबर का यहाँ, बाबर हुमायूं का नहीं बताते। भारत गुलाम है 1526 से 1707 तक नहीं, 1857 तक। किसका गुलाम है? अंग्रेजों का। कुल नेतवा सब इलेक्शन में बतियाते हैं तुमने 1000 साल राज किया। डाउसन का हमने पढ़ के आप ही के यहाँ सुनाया है कि अकबर के समय तक इंडिपेंडेंट है, नेटिव मतलब हिंदू राजा है। अब अकबर से आगे की कथा का कह रहा है? अकबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी जलालुद्दीन, सलीम, खुर्रम और पांचवे का क्या नाम है भूल जाता है, कौन जो भी है औरंगजेब वाले का नाम, इनका भी पैचवर्क क्विल्ट है। पैच में भी अनइवन रूल है, वॉल टू वॉल कारपेट नहीं है, कुल नक्शा रंग पोत के झूठा है। कौन कह रहा है? ऑक्सफोर्ड कह रहा है, हम नहीं, संग तो का भी फिर कहेगा। हम गुलाम थे, आक्रमण आए, ये किया वो लूटा, वो लूटा, भी इसी को पढ़ के सुनते हैं। अब पेज चार का एक दो तीन चौथा पैराग्राफ। रेजिस्टेंस टू मुगल अथॉरिटी वॉज वाइड स्प्रेड नॉट आफ्टर औरंगजेब, वेल बिफोर औरंगजेब्स डेथ। औरंगजेब के जीवन काल में ही रेजिस्टेंस टू मुगल अथॉरिटी वाइड स्प्रेड था। बाई देन मुगल अटेम्प्ट्स टू, अरे मुगल काहे कह रहे हो यार, तुर्क चगताई कहने में लाज आ रहा है क्योंकि तुर्कों ने तुम लोग का नाक रगड़ा है, यूरोपीय लोगों का, मंगोलों ने भी तुम्हारा नाक रगड़ा है। बाय देन मुगल अटेम्प्ट्स टू एब्जॉर्ब व्हाट द मराठास क्लेम्ड एज देयर होमलैंड इन द वेस्टर्न डेक्कन आइदर बाय कॉन्क्वेस्ट और बाय इनकॉर्पोरेटिंग इंडिविजुअल मराठा लीडर्स इनटू द इंपीरियल सिस्टम हैड फेल्ड। औरंगजेब भी फेल कर गया मराठों के होमलैंड को लेने का, नक्शा में हरा रंग पूरा ठीक से पोतते हो।
राजपूत चीफ्स, अभी औरंगजेब की कथा चल रही है, राजपूत चीफ्स हैड लॉन्ग बीन जनरली रिलायबल एलाइज ऑफ द एम्पायर। एम्पायर तो था ये नहीं, पैचवर्क क्विल्ट है, पैचवर्क क्विल्ट के ये रीजनेबल एलाई हैं। एक तथ्य हम अभी दे दे रहे हैं जो 10 साल बाद की छवि, आप किताब छप चुकी होगी उसमें लिखा होगा कि ये तुर्कों में और राजपूतों में पैक्ट है कि जितना युद्ध जीतेंगे उस सब युद्ध का धन कहाँ जाएगा, आमेर जाएगा। कछवाहा लोग जो आमेर और जयपुर के हैं, मान सिंह, भगवान सिंह और उसके बाद के कई लोग, धन सब वही जाएगा आमेर के किले में, इंदिरा गांधी इमरजेंसी आमेर, मिलिट्री ऑपरेशन, ट्रकों में सोने का निकालना, सब सोना वही है। राजपूत चीफ्स हैड लॉन्ग बीन जनरली रिलायबल एलाइज ऑफ द एम्पायर बट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग दियर टेरिटरी मोर क्लोजली अंडर इंपीरियल अथॉरिटी प्रोवोक्ड फियर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन। एक टिप्पणी, मैं बड़े सालों से, कोई 7-8-10 साल से मैं तलाश रही हूँ कि औरंगजेब अपनी राजधानी छोड़ के 27 साल के लिए डकन काहे भाग गया भाई। ये जितने शक्की मिजाज हैं, दिन भर इनके सिंहासन थ्रोन पर खतरा है, 2 दिन के लिए राजधानी नहीं सोचते छोड़ते, भागा सो भागा, लौट के इवे नहीं किया औरंगजेब काहे। एक लाइन, राजपूतों का फियर्स रेजिस्टेंस ड्यूरिंग औरंगजेब रेन, अभी ये नहीं कह रहा इनके कारण भाग गया, अभी 20-22-24 में जो किताब छपी होगी उसमें विस्तार से डिटेल आएगा, क्यों आएगा आगे बताएंगे। जाटों ने और राजपूतों ने और सिखों के डर से भाग गया, इसकी राजधानी से इसको भगा दिया गया। इन द पंजाब द रिट ऑफ द मुगल गवर्नर वॉज बींग कंटेस्टेड एट द एंड ऑफ 17th century बाई कम्युनिटीज ऑफ सिख। 20-22-24 की छपी हुई किताब में न एम्पायर शब्द आपको मिलेगा न मुगल शब्द आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 17th century के अंत में ही, 18वीं नहीं 17वीं के अंत में, यानी 1690, 1695, 1680 से 1720 साल, क्या कह रहा है, इन द पंजाब द रिट ऑफ द मुगल गवर्नर वॉज बींग कंटेस्टेड एट द एंड ऑफ 17th century बाई कम्युनिटीज ऑफ सिख। अभी सिखों का राजा नहीं आया है, खाली कम्युनिटी है। बड़का हिंदुस्तान के बादशाह को सूबा पर ऑक्सफोर्ड कह रहा है, साउथ ऑफ दिल्ली इंपीरियल कम्युनिकेशंस वर ब्लॉक्ड बाई जाट इंसर्जेंसी। जाट राजा का नाम नहीं ले रहा है ऑक्सफोर्ड, जाट साम्राज्य का भी नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, जाट राज्य परंपरा का भी नाम नहीं ले रहा है, जाट सेनापति का भी नाम नहीं ले रहा है, जाट आर्मी का भी नाम नहीं ले रहा। और क्या कह रहा है, दिल्ली से जो सूचना चलती है, खबर आ जा रही है, डाक व्यवस्था जो है, डाक व्यवस्था बहुत पुरानी है हमारी, साउथ ऑफ दिल्ली इंपीरियल कम्युनिकेशन, डाक, खबरों का आना जाना, सवारों का आना जाना ब्लॉक कर दिया है जाट इंसर्जेंसी ने। सिखों की तरह जाट ऑक्सफोर्ड के अनुसार अभी 2003 की छपी किताब में ग्रुप ऑफ पीपल एम्पायर के राजधानी के नाक में, वैसे दिल्ली इनकी राजधानी नहीं है, राजधानी इनकी आगरा है, औरंगजेब ने शाहजहां को कहाँ कैद करके रखा है, आगरा में, दिल्ली में नहीं कैद किया। एनीवे, तो राजधानी से, यहाँ दिल्ली का मतलब राजधानी, राजधानी से सूचना आना जाना जाट सब ने बंद कर दिया है। अफगान ग्रुप्स कॉन्स्टेंटली चैलेंज मुगल रूल इन द प्रोविंस ऑफ काबुल। ऑक्सफोर्ड काबुल को विदेश नहीं बता रहा है, भारत का प्रोविंस बता रहा है, कब, 18वीं शताब्दी में, आपके अखंड भारत में काबुल नहीं है, आपके अखंड भारत में मानसरोवर भी नहीं है, आपके अखंड भारत में कैलाश भी नहीं है। तो अफगान ग्रुप्स कॉन्स्टेंटली चैलेंज मुगल रूल इन द प्रोविंस ऑफ काबुल एंड दे वर माइग्रेटिंग इनटू इंडिया इन इंक्रीजिंग नंबर्स
एज ट्रेडर्स और एज सोल्जर्स नॉमिनली इन मुगल सर्विस बट ऑफन विद एम्बिशंस ऑफ दियर ओन। इसके बाद पेज 5 बहुत छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। 1660 की कथा बताया का जाट लोग ब्लॉक कर दे रहे हैं, सिख सब चलने नहीं दे रहे, काबुल में सब गुनते नहीं है। By the 1750, however, both Mughal and Afghan claims in the Punjab were successfully defied by the Sikhs. 1750 में तुम लोग को गिन सफलता पूर्वक। Following a long period of separate Sikh principalities, a unitary Sikh state was created after 1799. ये जो कहा ना सिख लोग, by communities of Sikh, 2003 की किताब है, गुरु गोविंद सिंह नहीं कह रहे हैं, गुरु तेग बहादुर नहीं कह रहे हैं, इन सब ने राज्य चिन्ह धारण कर लिया है, छत्र धारण कर लिया है, चवर धारण कर लिया है, हमारे यहाँ रिगैलिटी के स्पष्ट नॉर्म्स हैं और ये सारे नॉर्म्स गुरु गोविंद सिंह धारण कर चुके हैं। लेकिन क्या कह रहा है सिख कम्युनिटी, और अब क्या कह रहा है कि सक्सेसफुली डिफाई। और 1799 यानी 18वीं शताब्दी की कथा में a unitary Sikh state was created after 1799 through the ascendancy of a single clan leader Ranjit Singh. यहाँ ही single clan leader बता रहे हैं रंजीत सिंह को। अब बाबर कौन था भाई, बाबर नामा में कह रहा है 5 गांव में हम मुखिया हैं। अब मुखिया सिर्फ contested है, वो सब तैबूलंग मुगलिया, अरे रंजीत सिंह जी कहाँ से चले आ रहे हैं, ना महाराज गुरु नानक से, तेग बहादुर अर्जुन सिंह गुरु गोविंद सिंह से होते हुए बाकी सिखों के एम्पायर होते, सिखों का एम्पायर होते हुए रंजीत सिंह पर। द चीफ्स ऑफ राजस्थान ग्रेजुअली सबवर्टेड मुगल अथॉरिटी थ्रू आउट द 18th सेंचुरी एज दे एस्टेब्लिश देयर ओन डोमेन्स। 1750 के बाद नहीं, थ्रू आउट 18th सेंचुरी। 1707 में औरंगजेब मरा है, पूरी 18वीं शताब्दी में राजस्थान स्वाधीन है। शर्म नहीं आती है, चुल्लू भर पानी में नाक डुबाने का दम आप लोगों में नहीं है। भारत को पराधीन कहते हो। अगले जन्म में मैं आ रही हूं राजा बनके, महामात्य बनके तुम लोगों पर मृत्यु के बाद मैं मुकदमा चालू करूंगी। द चीफ्स ऑफ राजस्थान, चीफ नहीं राजा और महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब नाक रगड़ के कहता है महाराजा जसवंत सिंह, पूरी सार्वभौम संपन्न सार्वभौम संप्रभुता के साथ रिगैलिटी के राज्य सत्ता के सारे चिन्हों को धारण करके ये लोग हैं, पार्टिसिपेटरी रूल है ये, तो चीफ कह रहा है द महाराजाज ऑफ राजस्थान, ये मेरे शब्द हैं, ग्रेजुअली सबवर्टेड मुगल अथॉरिटी थ्रू आउट द 18th सेंचुरी एज दे एस्टेब्लिश देयर ओन डोमेन्स। 18th में ही हो गया, 19th और 20th छोड़ो। द जाट्स रेडेड ओवर अ वाइड एरिया एट टाइम्स ऑक्युपाइंग दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली एंड आगरा नहीं लिख रहा है, कैपिटल ऑफ मुगलिया सल्तनत। यहाँ कैपिटल नहीं है, नाम में क्या रखा है, नाम ही में जवाब जनाब सब कुछ रखा है। आप भी डर के मारे अकबर रोड नहीं हटा पा रहे हैं, आप भी डर के मारे औरंगजेब को हटाए तो अब्दुल कलाम के नाम से हटा पाए, राजा सूरजमल रोड नहीं कर पाए जिन्होंने। अभी इसमें इसमें भी राजा सूरजमल का नाम है, राजा क्यों जी, महाराजा सूरजमल वो बीते से जगह की रानी तुम्हारी महारानी है, हमारे महाराजा सूरजमल महाराजा सूरजमल नहीं है। और ये जाट पूरे यूरोप में जो फैले हुए हैं ये जाट लोग हैं। द जाट्स रेडेड ओवर अ वाइड एरिया एट टाइम्स ऑक्युपाइंग दिल्ली एंड आगरा अंटिल दे वर पेंड इनटू स्टेट्स ऑफ देयर ओन बाय द मराठा एडवांसेस। दिल्ली और आगरा इंपीरियल या लल्लुओं की राजधानी पर जाटों का कब्जा है, उनको छोटे एरिया में इनके अनुसार कंट्रोल किया मुगलिया ने नहीं मराठों ने। स्मॉल राजपूत स्टेट्स आल्सो सर्वाइव्ड ऑन मराठा फ्रंटियर मराठा फ्रंटियर इन बुंदेलखंड।
मराठे बुंदेलखंड में भी, नहीं राजपूत बुंदेलखंड में भी है, स्मॉल कह रहे हो नालायक को। ये जब 1870 में बिस्मार्क जब जर्मन यूनिफिकेशन कर रहा है तो प्रशिया के 250-300 जितने बड़े टुकड़े ले रहा है, उतने बड़े बड़े तुम्हारे यूनिफिकेशन के बाद के जर्मनी जितने बड़े बड़े एरिया के राजा हैं ये लोग। टू द ईस्ट ऑफ अवध, अब अवध मतलब ये अपना लखनऊ उत्तर प्रदेश का इलाका, इसके पूरब का। टू द ईस्ट ऑफ अवध राजपूत एंड भूमिहार चीफ्स, चीफ कह रहा है नालायक, भूमिहार चीफ्स sought to wrest concessions from the Nabab of Awadh and of Bengal and Bihar. Raja Chet Singh ko nahi yaad kar raha hai. Inko naak mein pani pilaya tha, nakel bandha tha. Groups of Afghan migrants asserted their independence in northern India in the 18th century. Two considered wealthy, isko chhod ke aage chale aap. Yahi page 5 ka aakhri paragraph. If the exercise of Mughal authority had never constituted a uniform system even in the 17th century. सब कह भी दिया और सब छुपा भी दिया, जो छुपाया वो हम आपको खोल के सुना रहे हैं। 17th century में कौन लोग हैं? 17th century मतलब 1699, 1701, 2, 3, 4, 5 में औरंगजेब है, तो 17वीं शताब्दी में मुगलिया हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, यही ना बता रहे हो? अकबरवा का तो भी कहानी आगे ही सुनाएगा। इफ द एक्सरसाइज ऑफ द मुगल अथॉरिटी हैड नेवर नेवर कॉन्स्टिट्यूटेड अ यूनिफॉर्म सिस्टम इवन इन द 17th सेंचुरी, ये सब ईसाई है, ईसाई जैकेट के बाहर के नहीं है, एक एक शब्द का खेल जानते हैं, कहां दिल्ली कहो कहां कैपिटल कहो, कहां जहांगीर शाहजहां हुमायूं कहो कहां 17th सेंचुरी कहो। आप लोग पढ़िएगा, आपका इतिहास संकलन समिति उसके भी समझ में नहीं आएगा, कम्युनिस्टों के समझ में तो आने ही से रहा, शताब्दी के घेरा में घूम के रह जाइए। तो इफ द एक्सरसाइज ऑफ जहांगीर शाहजहां एंड औरंगजेब हैड नेवर नेवर शब्द है, एक एक शब्द, इफ नेवर कॉन्स्टिट्यूटेड अ यूनिफॉर्म सिस्टम इवन इन द 17th सेंचुरी द ब्रेकिंग ऑफ द लिंक्स बिटवीन दिल्ली एंड द प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी need not necessarily be seen as a political revolution on the scale that it often assumed to have been. ये भी समझा देते हैं, ये अपने जिज्ञासु लोगों को समझा रहे हैं। ये पूरी कथा थीसिस इन नालायकों ने चला रखी है कि साहब मुगल एम्पायर टूटा तो पूरा केओस और एनार्की आ गया, और मुगल एम्पायर को तोड़ा किसने? शिवाजी महाराज ने तोड़ा, मराठों ने तोड़ा। इन लोगों ने एक थीसिस चला रखी है कि साहब एम्पायर टूट गया, केओस हो गया, एनार्की हो गया, और इस एम्पायर तोड़ने का जिम्मेदार कौन है? शिवाजी महाराज हैं, शिवाजी महाराज भारत के शत्रु हैं, सब एनार्की फनार्की फैल गया, बहुत गरीबी हो गया, बहुत दुख हो गया, बहुत डाकू चोरती हो गया, सब हो गया। तो ये कह रहा है कि भाई जब इन सबों का 17वीं शताब्दी में ही कोई यूनिफॉर्म रूल नेवर एको का नहीं था, एको दिन के लिए नहीं था, तो टूटने वाली बात भी नहीं आई, और टूटने के बाद एनार्की वाली बात भी नहीं आई। थीसिस बनाए रख रहा है कि टूटा तो एनार्की आई, ये थीसिस मेंटेन कर रहा है, लेकिन साहब जब टूटा ही नहीं तो एनार्की भी नहीं आई, ये कह रहा है। फिर थोड़ा सा हम छोड़ दे रहे हैं, आगे कह रहा है द लेटर एम्परर्स, अरे एम्परर कैसे हो जब दिल्ली तक कन्फाइंड हो? एनीवे The later emperors, no doubt in tacit recognition of their weakness, became more inclusive of Hindus. और बदमाश होता तो लिखता became more inclusive of natives. अब नेटिव में हिंदू भी है, मियाँ भी है, अफगान भी है, या कुछ और लिख देता, शब्द को छिपा लेता। यहाँ हिंदू लिखा है तो इसके पीछे इसका कोई भाव है जो अभी हम तुरंत नहीं पकड़ पा रहे हैं।
फिर कह रहा है उसी पेज 6 पर, द मराठास मेंटेन्ड सॉवरेन क्लेम्स ऑन दियर ओन बिहाफ, सॉवरेन मतलब सार्वभौम संप्रभुता, छत्रपति शिवाजी महाराज छत्र धारण कर रहे हैं, छत्र नहीं है, चवर नहीं है, राजा नहीं है, सिंह का आसन नहीं है, राजा नहीं है। पैगंबर साहब तो कोई कोनो आसन पर नहीं बैठे उठे, ये सब तखत पर बैठते हैं। तो तखत नसीन, तखत कौन होता है, हम लोग के यहाँ चौकी कहते हैं, लकड़ी का चार ठुपावा, इसलिए चार का चौकी, उस पर एगो लकड़ी का पटरा, ये सब तखत नसीन होते हैं। भारत में सिंह की सवारी है, सिंहासन, कॉन्स्टेंटली अलर्ट, केवल इंद्री जयी, जिसका इंद्रियों पर जय है, मन पर जय है, वही सिंह की सवारी कर सकता है, अन्यथा सेकंड, तखत पर तो आराम से सोया जा सकता है। द मराठास मेंटेन्ड सॉवरेन क्लेम्स ऑन दियर ओन बिहाफ, फिर से पेज 7 पर, इकोनॉमिक एक्सपेंशन दैट कैरिड ऑन एट लीस्ट इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी is seen as crucial to them. Over much of India, there appears to have been an increase in agricultural output. Decrease nahi hai, badh raha hai. With the extension of the area under cultivation, kheti ke bhitar jameen jyada lai ja rahi hai, a growing volume of trade, both internal and by land and sea and other parts of Asia with Europe. मुगलिया सल्तनत, जय जय सीताराम, हैं कौन, सिख हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, जाट हैं, राजा सूरजमल हैं, मराठा हैं, छत्रसाल हैं, पता नहीं कौन है, अहोम हैं, बंगाल में हैं, दक्षिण में है, वो डीआर हैं, अरे हम लोग तो ऐसे नालायक हैं कि अपने महाप्रतापियों का नाम नहीं याद है। समस्त भारत में जब हिंदू राज्य है, ये नहीं लिख रहा है नालायक, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, बात कुल कह रहा है, समझने के लिए अकल चाहिए, तब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट, ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोथ इंटरनल एंड बाय लैंड एंड सी एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। 18वीं शताब्दी एक्सपेंशन की शताब्दी है, अभी बताएंगे हम आप लोगों को ये। 19वीं शताब्दी भारत का समृद्धि काल है, केवल एक लाइन का हिंट दे दें जिससे लोगों को, आप लोग को ही नहीं लगे कि ऑल क्रेजी थिंग्स प्रोफेसर के डिया टॉक। पोस्ट कोलंबस स्पेन और पुर्तगाल सेंट्रल अमेरिका जाते हैं, लैटिन अमेरिका जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से विशाल 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 मात्रा में सोना और चांदी आता है, आधा अटलांटिक सागर में डूब जाता है, आधा आता है स्पेन पुर्तगाल, वो किसी तरीके से जाता है लूट मार के हॉलैंड में, इंग्लैंड में, फ्रांस में बहुत थोड़ा जाता है, और ये सारा का सारा सोना जो पहुंच गया है यूरोप, ये सब का सब सोना आ जाता है भारत, वहाँ के पार्लियामेंट्स की रिपोर्ट है। क्यों आ जाता है, लगातार सामान खरीदने के लिए, लेकिन इनकी औकात कितनी छोटी है अभी इसी किताब में बताएंगे। तो 15वीं तो नहीं, 1498 यानी 15वीं के एंड में तो पहुंचा है, 16वीं नहीं, 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी भारत नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड है। केवल 3 साल 1757 से 1760 भारत से सोना बाहर गया है, लेकिन नेट ग्रॉस और नेट गया और आया, इन 3 सालों में भी भारत इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड है। हम क्या कह रहे हैं, 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी कौन सा गोल्ड, सेंट्रल अमेरिका, गोल्ड और सिल्वर दोनों, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और बाद में अफ्रीका का और बहुत बाद में चीन का सिल्वर, इस सब इसमें भी आएगा, मैं अलग से भी बताऊंगी। हाँ, अब Prominent among such groups were the Jamidars, a flexible category with an enormous range from great Rajas controlling large blocks of territory and people. जब आप जमीदार शब्द पढ़िए,
17वीं में, 18वीं में, 19वीं में भी तो जान लीजिए ये बड़े राजाओं को राजा नहीं कहकर, कैसे बड़े राजा, इंग्लैंड फिनलैंड तो भुच्ची सा है, इंग्लैंड नहीं फ्रांस का, कब का फ्रांस, उसी समय के फ्रांस से बड़ा राजा, ऑस्ट्रिया प्रशिया जर्मनी तो 1870 19वीं शताब्दी में जन्मा है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया यानी यूरोप में जितने भी राजा हैं उनसे जो बड़े राजा हैं उनको ये सब जमींदार लिखते हैं। इसने पहली बार खोल के कहा है, प्रोमिनेंट अमंग सच ग्रुप्स ये बता रहा है कि वो जो एक्सपेंशन हुआ, जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ी वो किसके पास जा रही है, भी विस्तार से बता रहे हैं। प्रोमिनेंट अमंग सच ग्रुप्स वर जमींदार, फिर आगे पहली बार किसी अंग्रेज की लिखी किताब में हम पढ़ रहे हैं, अब अंग्रेज का, हिंदू हो चाहे मियाँ हो, सब वही लिख रहे, अ फ्लेक्सिबल कैटेगरी विद एन एनॉर्मस रेंज, विशाल रेंज, फ्रॉम ग्रेट राजाज, राजा कह के नहीं, ग्रेट राजाज, कंट्रोलिंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेरिटरी एंड पीपल, निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतिहास संकलन समिति झक मार रहा है, मेरा बहुत क्रोध है इतिहास संकलन समिति पर, टू विलेज पेजेंट एलीट्स, पहली बार ये शब्द आया है, विलेज पेजेंट एलीट, गांव में रहने वाले किसानों के भद्रजन, मैं मध्य प्रदेश में बैठी हूँ, मध्य प्रदेश के गांवों में गांव के किसानों के द्वारा बनाए हुए ऐसे भव्य कलाकृतियों से संपन्न मंदिर जो आज भारत सरकार नहीं बना सकती है अयोध्या में। तो ये कह रहा है टू विलेज पेजेंट एलिट्स, अब इन शब्दों के अर्थों को पकड़ पाने के लिए बहुत विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होती है। दे हेल्ड राइट्स टू अप्रोप्रिएट अ पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, यानी इनको लगान लेने का अधिकार है, सीधे सीधे नहीं कह रहा है, राजा है कर लेने का अधिकार है, प्रोड्यूस ऑफ द लैंड कह रहा है, यानी लगान तक बहुत किसी का दिमाग जाएगा तो जाएगा, टैक्स कलेक्शन ये कर रहे हैं, ये राजा है नहीं कह रहा। द क्लेम्स ऑफ मेनी ऑफ देम प्रीडेटेड मुगल रूल एंड द मुगल सैड ऑफ नेसेसिटी टू रीच अकोमोडेशन विद देम, कौन है ये जमींदार, कौन ये एनॉर्मस रेंज के राजा लोग हैं जो मुगल, बाबर से शुरू करें कि अकबर से, 1526 के पहले से, और डाउसन हम आप लोगों को दिखाए थे किसी भाषण में, डाउसन कह रहा है कि 1593 तक शायद कहा है भारत, ठीक, ये कह रहा है ये जो हिंदू राजा हैं मुगलों के पहले के हैं और इतने मजबूत और पावरफुल हैं, दैट मुगल्स हैड हैड ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता नहीं मजबूरी कंपल्शन टू रीच अकोमोडेशंस विद देम। अभी ये राजस्थान की बात नहीं कर रहा है, आमेर की, कछवाहा की, बूंदी की, हाड़ा की, मेवाड़ तो छोड़ दो, मेवाड़ तो भारत का एक छत्र सम्राट है, जिसको जमींदार कह रहा है उसको मुगल को करना पड़ रहा, कहे पहले कह दिया है कि साहब पैचवर्क है, लेकिन एम्पायर और इंपीरियल शब्द नहीं छोड़ रहा है, सामान्य पढ़ने वाले के दिमाग में घोचपोच कुल पढ़ने के बाद भी बना रहेगा, इसलिए समझा के पढ़ा रही हूँ, इस तरह आप लोगों को आगे पढ़ना है। यूजिंग इंटिमिडेशन एंड आर्म्ड कोअर्शन एज वेल एज द रिवार्ड्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, अब जमींदार रेजिस्टेंस वॉज हाउ एवर मोर और लेस एंडेमिक वेन एवर द अपॉर्चुनिटी टू रिबेल प्रेजेंटेड इटसेल्फ, अब जमींदार को आप क्या कर दीजिए, हिंदूज राजाज एंड महाराजाज, हाउएवर उनका जो रेजिस्टेंस है वो एंडेमिक है, लगातार है, 1593 तक तो है ही है, 1593 के बाद 7 साल 16वीं शताब्दी और 1707 114 साल पैचवर्क क्विल्ट है, और इस पैचवर्क क्विल्ट में भयंकर रेजिस्टेंस है। इतिहास संकलन समिति, भारत तो गुलाम है ही है के दिया जी, ऑक्सफोर्ड पढ़िए, मैं भारत के नौजवानों से या भारत में जो भी जिंदा है
जिसमें अपने माँ बाप का खून बह रहा है, वो तय कर लो कि किसी को हम अपने पूर्वजों के लिए कोई अपमानजनक झूठी बात नहीं कहने देंगे। अरे कुछ नहीं तो कम्युनिस्टों से सीख लो ना, ये शी जिनपिंग और माओ चंगेज खान को अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, और तुम अपने महान सम्राट होता बक 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 करके अपमान करोगे क्योंकि तुम्हारी थ्योरी ध्वस्त हुई जा रही है। अब आगे फिर पेज 7, अदर इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट ग्रुप्स वर द मर्चेंट कम्युनिटीज। जो पहले कहा है ना कि सब एक्सपेंशन है, खेती बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, राजा वाजा बताया, राजा वाजा नहीं, इंटरमीडिएट ग्रुप कौन, मर्चेंट कम्युनिटी, बनिया सब। भारत में शब्द क्या है, श्रेष्ठी, महाजन, कैसे श्रेष्ठी और महाजन है ये भी वर्णन करेगा अभी, जो धरती को सोने के सिक्के से ढक कर दान करती है, सोने के सिक्के से ढक कर किसको दान कर दिए, भगवान बुद्ध है हमारे 9वें अवतार, भगवान बुद्ध जी को जरा विहार करना था, वो कहा भाई गार्डन मेरे को बड़ा पसंद है, बहुत महंगा, इसका दाम कौन देगा, बोला दाम ये दे दें, बोला हाँ बिछा दिया। एक बार मैंने स्वामी रामदेव जी के मुंह से सुना था, पूरे पतंजलि को सोने के शीट से ढक दे, हमको लगा कुछ ज्यादा है, हम भैया को बोले, भैया स्वामी जी ऐसा कह रहे थे, ऐसा हो सकता है क्या, भैया खटाखट खटाखट कितना एरिया होगा, इतना बाई एरिया, इसमें इतने एमएम का शीट बिछा दिया जाए तो इतना 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 तो इतना रूप मन का सोना हुआ, इतने मन का इतना सोना, बोले भाई इसमें कौन सा खास बात है, जब चाहेंगे कर लेंगे। अदर और स्वामी जी 21वीं शती के ध्वस्त भारत के धार्मिक संप्रदाय के एक इतर जन, कैसा इतर जन, आर्य समाजी हरिद्वार में, उन्होंने स्वयं बताया है, मैं उपस्थित हूँ आस्था चैनल पर, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, स्वामी शरणानंद जी ने उनको कैसे कैसे क्या क्या किया, ऐसे एक इतर जन ने थोड़ा सा व्यापार किया, स्वामी जी के समस्त योग बल का छीट छाट, जिसे अभी हम उठेंगे जाके खाना बना देंगे, अभी उठेंगे हम मोहन थान बना देंगे, अभी उठेंगे हम कोई मिठाई बना देंगे, मेरी सामर्थ्य का एक छींट मूल सामर्थ्य तो यहाँ है, स्वामी जी का मूल सामर्थ्य भारत के अभ्युदय में है, जिसका एक छींट है और 15-20 साल का मामला है और सोने से ढक देंगे। तो ये मर्चेंट कम्युनिटीज कौन है, खुद ही वर्णन करेगा, नादिर शाह को दिल्ली के यही वर्णन करेगा, एक मर्चेंट ने उसकी सारी डिमांड देके विदा कर दी, सब नालायक कह रहे हैं कि जी दिल्ली लूट लिया, दिल्ली का, दिल्ली में तो कम से कम 100 सेठ होंगे, एक सेठ ने विदा कर दिया, अपना सर्वस्व नहीं दिया भामाशाह की तरह। अदर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट ग्रुप्स फॉर द मर्चेंट कम्युनिटीज हुज ऑपरेशंस रेंज फ्रॉम स्टॉल्स इन विलेज मार्केट्स टू बल्क ट्रेडिंग इन लोकल टाउन्स टू बैंकिंग बिजनेस इन द कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम द सी पोर्ट्स। आगे वो कह रहा है एक एक जो राजा है, एक एक जो मर्चेंट है, उसका बैंकिंग ऑपरेशन बैंक ऑफ इंग्लैंड से जाता है, यही बताएगा भी आगे आएगा। फिर ये कह रहा है कि अ स्टडी ऑफ अवध हैज शोन हाउ द न्यू रूलर केम इन टू टर्म्स विद जमींदार्स राजास who had a long history of opposition to Mughal government in the past and had succeeded in binding them to a very loosely organized ruling group. अब ये एक काम का है, अब उसका ये traders का, merchants का भी आगे आएगा। अवध में ही बहुत खास बात आ रहा, अवध में क्या है, जो अवध का nominal governor आया है शुजाउद्दौला है या कौन है, अवध बंगाल और दक्षिण में ये तीन आए थे, मुर्शिद कुली खान वहाँ और यहाँ आशिफ अली खान या कौन। तो कह रहा है ये जो मुगलों का सक्सेसर स्टेट है, इन तुर्कों का जो सक्सेसर स्टेट है,
इसको यहाँ के जमींदारों से तुरंत यहाँ के राजाओं के साथ समझौता करना पड़ा और उनके साथ मिलकर ए वेरी लूजली ऑर्गेनाइज रूलिंग ग्रुप बनाना पड़ा, क्योंकि इनका इतिहास है वो अकबरिया को भी, राजस्थान की भाषा में खाली अकबरिया है, तुरक है, तो उस अकबरिया को भी धक्का देने का आदत था। तो ये जो वेरी लूजली ऑर्गेनाइज रूलिंग ग्रुप है, इन लोगों ने उस सक्सेसर स्टेट का, हु सपोर्टेड हिज रिजीम, हिंदूज हेल्ड हाई ऑफिसेज इन द नवाब्स ऑफ अवध गवर्नमेंट एंड हिंदू एसेटिक्स मेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दियर फोर्सेज अंडर द लीडर द वार लॉर्ड अनूप गिरा ऑफ और हिम्मत बहादुर। अनूप गिरा, अनूप गिरी, अब सुनिए इसका अर्थ सुनिए, क्या कह रहा है कि जो हिंदूज हैं दे हेल्ड हाई ऑफिसेज, हिंदू रेजिम हुआ कि मियां का रेजिम हुआ, ऊपर से क्या कह रहा है, जो जो हिंदू एस्टिक्स है यानी हिंदू साधु बाबा लोग हैं, हिंदू साधु बाबा लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया, क्या किया, उनके फोर्सेज में, फोर्सेज का मतलब जान रहे हैं मिलिट्री ठाए ठाए, तो भारत के साधु लोग अवध के नवाब के हमारे बोले अच्छा तू बैठा रहे बाकी काम धाम हम कर रहे हैं, फौज में, और नाम दिया है अनूप गिरी जी महाराज, या उनका दूसरा नाम था हिम्मत बहादुर। भारत के जो ये नागा हैं, ये जो दसनामी अखाड़ा है, ये कुंभ में शाही स्नान करते हैं, नागा स्नान नहीं करते हैं, दसनामी स्नान नहीं करते हैं, बैरागी स्नान नहीं करते हैं, ये सब शाही स्नान करते हैं, कुछ बूझे। द नवाब्स ऑफ बंगाल ऑल्सो बेस्ड देयर रूल ऑन द सपोर्ट ऑफ जमींदार्स, राजास made extensive use of local Hindus in high administrative offices for and allowed merchants and bankers to profit from the government in return from the services। ये मुर्शीद कुली खान जो है ये ब्राह्मण है, कन्वर्ट है, तो बंगाल में जो मुर्शीद कुली खान सक्सेसर स्टेट का मालिक बनता है, नॉमिनल एजेंट है उनका, इसके सब इम्पोर्टेंट ऑफिसर कौन है, हिंदूज हैं, हिंदू राजा हैं, 1757 में नहीं 1857 में भी हिंदू रानियां हैं, रामकृष्ण परमहंस, रानी रासमणि, विवेकानंद जी, ये कलकत्ता का जो सबसे बड़ा इलाका है, अभी मैंने हाल में पढ़ा, ये रानी रासमणि ने गऊओं को चरने के लिए गोचर भूमि, कब, विक्टोरिया मलका दुनिया की रानी, रानी रासमणि, उसके राजधानी में, कलकत्ते ना राजधानी था, दिल्ली तो 1935 में गए, उसकी राजधानी में गोचर भूमि दान करती है, राजधानी किसकी है आप देख लीजिए। तो क्या कह रहे हैं, The Nawabs of Bengal also based their rule on the support of Jamidars, made extensive use of local Hindus in high administrative officer. High administrative officers मतलब क्या, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, जितना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज मोदी जी देते हैं वो सब इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हिंदू लोग के पास है। फिर and allowed merchants and bankers to profit from the government return for their services. Jagat Seth, अब इनकी कहानी आएगी, जिसने क्लाइव को कहा रहे तू सामने खड़ा हो जा, इतना रुपया देंगे, उस सिराजुद्दौला हमारी बहू के साथ कुछ उतना तो कहा ही नहीं होगा, आपस में जो बात हुआ तू खड़ा हो जा, उसको हम लोग पलट के कासिम को ले आते हैं, ये अपने लेखन में कह रहे हैं, क्लाइव ने तो लिखा ही नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय किसी ने नहीं लिखा है कि हम लोगों ने लड़ाई जीता, ये कुल जो हम बता रहे हैं ये क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के डिस्पैचेस से हम बता रहे हैं। तो ये कह रहा है आगे, द ब्राह्मिन पेशवाज बिकेम द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द मराठा किंग। अवध बता दिया, बंगाल बता दिया, आप कहाँ बता रहे हैं, मराठा। फिर कह रहा है ब्राह्मिन पेशवाज, पेशवा हमको पता नहीं था कि ब्राह्मण लोग हैं, कुछ दिन पहले पता चला, पता चला तो चला ऑक्सफोर्ड वाला,
पेशवा के आगे अगर ब्राह्मण लिख रहा है तो अभी आगे चित्पावन भी लिखेगा। ये आरएसएस का पावर है। द ब्राह्मण पेशवाज बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मराठा किंग्स विद एन एक्सटेंसिव डोमेन ऑफ दियर ओन विद ऑल द अदर मराठा रूलर्स रिक्रूटेड ब्राह्मण एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली द चित्पावन सब कास्ट। संघ के मुखिया लोग कौन है? चित्पावन ब्राह्मण। तो ऑक्सफोर्ड का कौन है? पीजे मार्शल। इंट्रोडक्शन में चित्पावन ब्राह्मण लिखता है। बैंकर्स हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री फाइनेंस ऑफ द ऑल मराठा स्टेट। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री का फाइनेंस कौन कर रहा है? ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। अब तुम लोग का समझा रहे हो? ब्राह्मण लोग भिकमंगे हैं, ब्राह्मण लोग दान लेते हैं, भारत में ब्राह्मण लोग राज करते हैं, भारत में ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण कर्मणा वैश्य, गुण धर्मशील से वैश्य, गुण धर्मशील से क्षत्रिय। जन्म कहीं भी हो लेकिन तुम नालायक उसको वैश्य नहीं कहोगे, उसको ब्राह्मण कहोगे। जो ब्राह्मण मिलिट्री कमांडर है वो ब्राह्मण भोज में भोजन करने को न्योता नहीं मिलता है। जो ब्राह्मण बैंकर है उसको ब्राह्मण भोजन में भोजन करने का न्योता भी नहीं देगा कोई, और बाकी ब्राह्मण उसको अपने बगल में बैठने नहीं देंगे। कारण तुम वैश्य कर्म कर रहे हो, तुम क्षत्रिय कर्म कर रहे हो। तो थ्रू आउट 18th century इंडिया एज दे स्ट्रगल टू कंसोलिडेट दियर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स आर्मीज टैक्स फार्मिंग नेटवर्क्स एंड कमर्शियल सिस्टम्स। बहुत खास बात है। द न्यू डायनेस्ट फाउंड एन एवर ग्रोइंग नीड फॉर मेन ऑफ पाइटी। हिंदुओं के लिए ब्राह्मणों के लिए शब्द है मेन ऑफ पाइटी एंड लर्निंग। ये दोनों शब्द जहाँ आए समझ लीजिए ब्राह्मण। मेन ऑफ पाइटी एंड लर्निंग टू मैक्सिमाइज दियर रेवेन्यू। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण, ये जो उइगर सब है ना, ये सब यही स्टेट क्राफ्ट वाले ब्राह्मण हैं। टू मेंटेन दियर रिकॉर्ड्स। कैसे? रिकॉर्ड्स, स्टेट रिकॉर्ड्स एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क्स एंड ग्रेस दियर कोर्ट्स एंड सेक्रेट फाउंडेशंस विद द सिविलिटीज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड रॉयल डोमिनियन। तो कौन कौन? बंगाल वाला मुर्शिद कुली खान भी, अवध वाला शुजाउद्दौला या कौन है, मराठा लोग तो है ही है, सब जगह यही लोग सारा स्टेट क्राफ्ट चला रहे हैं। ऑक्सफोर्ड कह रहा है, मैं केवल पढ़ रही हूँ। नौवा, फिर ये हिंदू टेंपल्स की बात है, लोकल ट्रेडिशंस की बात है, ये सब मैं छोड़ दे रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ पेज 9 पर। ये काम का है। थ्रू आउट इंडिया द richest merchants एंड bankers वर gaining a stake इन द न्यू पोलिटिकल ऑर्डर। 18th century, इसको तुम मुगलों की और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाता है ना, आप लोग करवा देते हैं 1757 में भारत में। बेचारे भारत अभी देखे नहीं है भाई, अभी सब गंगा नदी पूरा ठीक से नहीं देखे हैं। मदन की जो किताब है कार्टोग्राफी वाली, वो हम दिखा देंगे द रिवर गंगा। इंग्लैंड में गंगा नदी उत्तर से चल के दक्षिण में बह जाती हैं, पश्चिम से चल के पूरब में नहीं जा पा रही हैं 19th century तक। तो आप लोग 18th century में मुसलमानों का राज्य करा देते हैं और 18th century में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राज करा देते हैं। लज्जा नाम की चीज़ तो है नहीं, आपकी माँ का दूध पिया है कि नहीं। थ्रू आउट इंडिया द richest merchants एंड bankers वर गेनिंग अ स्टेक इन द न्यू पोलिटिकल ऑर्डर। ये न्यू पोलिटिकल ऑर्डर क्या है? ऑक्सफोर्ड कह रहा है हिंदुओं का है, इसमें श्रेष्ठियों और महाजन का गौरव बल और सामर्थ्य बढ़ रहा है। द सर्विसेज ऑफ बैंकर्स, मतलब सर्विसेज ऑफ हिंदू महाजन, हिंदू वैश्य, मारवाड़ी में भी। द सर्विसेज ऑफ बैंकर्स मेंट दैट स्टेट कुड रिलाई ऑन प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू विच द फार्मर और जमींदार हैड अंडरटेकिंग टू पे। सारा टैक्स कलेक्शन का काम ही कलेक्टर का नहीं है, जो अपने पॉकेट से कुछो नहीं देता है उसमें से निकाल के अपने पॉकेट में डालता है और आप उसके लिए लोकपाल का बिल लाते नहीं,
भारत में टैक्स कलेक्शन का काम श्रेष्ठी वर्ग के पास है, जो कलेक्शन होके आया या नहीं आया, स्टेट डिमांड लिया, अपने खजाने से जमा कर दिया, कम आया तो कम ठीक है, ज़्यादा आने का कोई सवाल नहीं है। फिर ये आगे कह रहा है, रूलर्स देमसेल्व्स, कौन से रूलर हैं, ये बंगाल वाला भी है, अवध वाला है, कर्नाटक वाला भी है, और समस्त हिंदू हैं। रूलर देमसेल्व बोरोड इन एडवांस ऑफ दियर रेवेन्यू अबव ऑल फॉर दियर मिलिट्री डीड्स फ्रॉम द मोस्ट सब्सटेंशियल बैंकर्स। युद्ध को फाइनेंस कर रहा है 18वीं शताब्दी में कौन, खाली मारवाड़ी नहीं है, तमिल भी है, बंगाली भी है, आसामी भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, हर जगह है। कौन है, कैसा बैंकर है, जगत सेठ, नगर सेठ वर्णन कर रहा है। द ब्रिटिश ऑब्जर्व्स द जगत सेठ मारवाड़ी फैमिली बैंकर्स टू द नवाब्स ऑफ बंगाल सीम टू बी एज रिच एज द बैंक ऑफ इंग्लैंड। अरे मूर्ख, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास चवन्नी नहीं थी जगत सेठ की, एज रिच बता रहा है। दे रिसीव द जमींदार्स रेवेन्यू पेमेंट्स, जमींदार नहीं राजा का, मैनेज द बंगाल मिंट्स, टकसाल किसके पास है, नोट छापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिंटिंग द मनी, अब तो मिंटिंग है ही नहीं, प्रिंटिंग द पेपर है। ये स्टेट अथॉरिटी का एक्सक्लूसिव राइट है, उसी तरह से जैसे मिलिट्री रखना। भारत का महाजन, भारत का श्रेष्ठी, क्या कह रहा है ये अंग्रेज, ईजे मार्शल ऑक्सफोर्ड छाप रहा है, मैनेज द बंगाल मिंट्स, तुम कह रहे हो मियां सबका राज है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है, एंड रेमिटेड द ट्रिब्यूट ड्यू टू द एम्परर्स ऑफ दिल्ली, ट्रिब्यूट भेज रहा है, टैक्स नहीं भेज रहा है, इन रिटर्न फॉर दियर इनवैल्यूएबल सर्विसेज, मनीड मैन कुड एक्सट्रैक्ट कंसेशंस फ्रॉम द स्टेट, क्या कंसेशन, What might be involved has again been revealed from studies of Bengal. अब बंगाल के कागजों के अध्ययन से जो सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है, where individual merchants were given monopoly grants. तुम तो कह रहे हो कि सिराजुद्दौला ने सब monopoly grant ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दे दिया, ऑक्सफोर्ड का ईजे मार्शल कह रहा है मारवाड़ी लोग को दिया गया, ये बेवकूफ है, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बंग भी हैं, हमारे यहाँ हर क्षेत्र में चारों वर्ण हैं, सब कर्म है। मैं अपने बनिया घर की हूँ, वैश्य घर की हूँ, ब्राह्मण कर्म तो नहीं कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल कर्म कर रही हूँ, हमको हमारे घर में वैश्य कोई नहीं बोलता है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुझे वैश्य कहते हैं। Where individual merchants were given monopoly grants over commodities like salt and saltpeter. Saltpeter समझ रहे हैं, सोरा, जिससे बंदूक का तोप का बारूद बनता है, इसका monopoly right किसके पास है, and wielded political authority in the saltpeter districts, जो बारूद के उत्पादन के जो जिले हैं उसका राजा भी वही है, लिखेगा इतिहास संकलन समिति, सोर्स ऑक्सफोर्ड, अलीगढ़ नहीं लिखेगा, जेएनयू नहीं लिखेगा, आप देशभक्त लोग हो, आप देशभक्त लोग कम्युनिस्टों के खूंटे से नहीं बंधे रह सकते हो, ये मैं फोरकास्ट कर रही हूँ, 10 साल के अंदर सुरुचि प्रकाशन से ये सब तथ्य आएंगे, केवल हिंदी में नहीं, हिंदी, बंगला, उड़िया, असम में, क्योंकि आप मूलतः देशभक्त हो और देशभक्तों का इतना प्रचंड संगठन संसार में कहीं नहीं है। 10वां, अब ये एक और खास बात, बहुत महत्वपूर्ण, द हिस्टोरियोग्राफी, यानी एक हुआ हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी मतलब इतिहास लेखन की कला, शैली, विधि, विज्ञान, द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ पोलिटिकल चेंज इन 18th century इंडिया हैज बीन डोमिनेटेड बाई द ट्रांजिशन ऑफ मुगल प्रोविंसेस इंटू सक्सेसर स्टेट्स और बाई कार्विंग आउट ऑफ न्यू डोमिनियंस इन फॉर्मर प्रोविंसेस बाई रिबीलियस ग्रुप।
चर्च के पट्ठों, उल्लू का पट्ठा नहीं कह रही हूँ, चर्च के पट्ठों, कम्युनिस्टों, उनके नकल करने वाले देशभक्तों ने जो इतिहास लिखा 18वीं शताब्दी का, क्या लिखा कि मुगल स्टेट डिसइंटेग्रेट हुआ और उससे सक्सेसर स्टेट आए और उनमें केओस एनार्की है। कह रहा है नहीं, लार्ज एरियाज हाउएवर रिमेंड आइदर आउटसाइड मुगल रूल ऑल टुगेदर और ऑन द फ्रिंज ऑफ इस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव रीच। फिर कह रहा है Even in the heartlands of Mughal rule in northern and central India, large tracts remained in the 18th century beyond the pale of fixed, दुनिया भर का डिटेल है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखा रहा विशाल भूभाग, कहाँ, हार्टलैंड ऑफ मुगल एम्पायर। अभी सारा शब्दों का मूर्खतापूर्ण प्रयोग कर रहा है, ऐसे कोई कर दे तो मास्टर जी मार मार के वेद से सही कर दे। जब तुम्हारा इलाका ही नहीं है तो एम्पायर नहीं है, जब तुम्हारा इलाका ही नहीं तो यहाँ तुम हो, यहाँ तुम हो, यहाँ इतने बड़े में हम हैं। लेकिन एम्पायर शब्द के साथ फिक्सेशन, उनका फिक्सेशन उनके मंतव्य को पूरा करता है। संघ का फिक्सेशन तो परम वैभव और भारत माता है ना, तो उसका फिक्सेशन इन सारे चीजों को लांग जाएगा। मैं 2-4 मिनट समय और लूंगी, या ठीक है अभी पेज 10 तक हुआ है, ये 36 पेज का इंट्रोडक्शन तो मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी चाहे अगले भाषण में। उसके बाद निवेदन करूंगी इतना, या मैं ही इसको फेसबुक पर डाल दूंगी, इसको अवश्य ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के साथ पढ़ने का ढंग जो बता रही हूँ उसको समझना। नमस्कार।